नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। मेरे साथ में मौजूद है सचिन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको दिखाएंगे दो मिनट में हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद में जगदीप धनखड़ से मिले पीएम मोदी। धनखड़ को पीएम मोदी ने दी बधाई। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट हलवा को हराया। 725 में से धनखड़ को मिले 528। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लेंगे शपथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को हो रहा समाप्त। चुनाव हारने के बाद मार्गरेट हलवा ने विरोधी दलों पर सदा निशाना, कहा कुछ विपक्षी दलों का भी एनडीए का समर्थन विश्वसनीयता को पहुंचाया नुकसान। जगदीप धनखड़ के जीत के ऐलान के बाद में झुंझुनू में जश्न का माहौल। पत्रागांव में बजे ढोल नगाड़े, महिलाओं ने जमकर किया डांस। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रदीप पवार नाम के युवक पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। अस्पताल में भर्ती है प्रदीप। नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने पर हमला किया गया। मुस्लिम समुदाय के 10 से 15 लोगों ने पवार को घेर कर तलवार और दूसरे हथियारों से किया हमला। डीपी में नुपुर शर्मा की तस्वीर लगाने पर भी पीछे सवाल। पवार पर हमला मामले में करछुत थाने में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पवार के परिजनों ने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। पीएम मोदी आज नीति आयोग की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। फसल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल, कहा विरोध के रूप में बैठक में नहीं लूंगा हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे का आज उनका दूसरा दिन। नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा पीएम मोदी, बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली के जामिया में बाटला हाउस से एनआईए से संदिग्ध को हिरासत में लिया। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा था संदिग्ध। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, कहा मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। भारत के लिए ऐतिहासिक आज का दिन, रॉकेट SSLV लॉन्च कर इतिहास रचेगा इसरो। सुबह 9:18 पर पहला SSLV लॉन्च। 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की बनाई आजादी सैटेलाइट से अंतरिक्ष में फहराएंगे तिरंगा। कोलकाता में CISF के जवान ने की 30 राउंड फायरिंग। फायरिंग में एक जवान शहीद, आरोपी जवान को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में लाल किले के पास में BMW कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 5 घायल, एक गंभीर रूप से घायल। BMW कार से शराब की बोतल मिलने पर ड्राइवर को मेडिकल टेस्ट भी भेजा गया। राउत से ईडी की पूछताछ। सूत्रों के अनुसार ईडी ने संपत्ति और बैंक खातों में ट्रांसफर हुए पैसे पर पूछे सवाल। संजय राउत से जुड़े सवाल भी पूछे गए। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर अजित पवार का तंज, कहा दिल्ली से राय के बिना फिलहाल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार होना नामुमकिन। SP सांसद अबू आजमी का विवादित बयान। अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब को एक उदार और अच्छा शासक बताया। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने की मुलाकात। आपदा के लिए नए तरीके से बजट के प्रावधान की रखी बात। रेल मंत्री से भी मिले सीएम धामी। दिल्ली में शिवराज सिंह ने की केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा।